सूरज यानी मेरे बानोई साहब हैं, यानी रश्मि के हस्बैंड हैं। यही कहा कि 14 तारीख को छुट्टी छुट्टा करेंगे, अपना सामान अपना दे दो। मुझे आरोप भी लगाती कि चाची को रखे है ये वो। मेरे ख्याल से कितनी आपकी क्या कमाई हो जाती होगी? 200 रुपए, 100 रुपए, 150 ऐसी होती है। 2 महीने बाद भी गए तो कहने लगी 8 दिन बाद भेजेंगे। सो हे फैमिली, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते फर्स्ट क्लास होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी को राधे राधे। एंड अभी का टाइम हो गया 8 रात के 8 बज गए। देखिए 8 बजे वीडियो शूट हो रहा है, वो किस लिए? ये थंबनेल और टाइटल आपने देखा कि यूट्यूब पे भाई पहली बार जिस चीज का आपको इंतजार था, हमको इंतजार था, यानी जितनी भी हमारी ऑडियंस हमसे जुड़ी सबको इंतजार था कि भाई रश्मि ससुराल क्यों नहीं जाती है। तो अभी तक आपने रश्मि की बातें सुनी थी, राधा दीदी की बातें सुनी थी, सोनू की बातें सुनी थी, यानी रश्मि की भाई सोनू की सुनी थी। आज पहली बार कैमरे के सामने, यानी कि रश्मि के हस्बैंड सूरज नाम उनका, वो पहली बार कैमरे के सामने आए। स्टार्टिंग जैसे आपने वीडियो की देखी है तो उन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रश्मि के भाई सोनू गए थे अपने रश्मि के हस्बैंड से मिलने। उन्होंने पता किया कि रश्मि क्यों नहीं जाती, वो क्यों नहीं ले जाते, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया। बहुत से इल्जाम उन्होंने लगाए जो वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। पहला इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि रश्मि के खर्चे बहुत ज्यादा है। खर्चे कैसे? क्योंकि उनकी कमाई जो है सिर्फ 200 रुपए डेली की है। वो रिक्शा चलाते हैं, वो CNG रिक्शा नहीं चलाते, जो साइकिल वाला रिक्शा होता है वो चलाते हैं, उससे वो कमाई करते हैं और दिनचर्या करते हैं, मतलब पूरा दिन का खर्चा निकालते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला इल्जाम लगाया कि रश्मि के खर्चे बहुत ज्यादा है, रश्मि पार्लर जाती है, रश्मि घूमने जाती है। पहला उन्होंने ये इल्जाम ये लगाया। दूसरा इल्जाम उन्होंने ये लगाया है कि हम कई बार जा चुके, अरे यारी कई बार गए हैं लेकिन हमको रश्मि को भेजा नहीं गया। 10 बार गए हैं जिसमें पंचायत भी हुई है, गांव में पंचायत होती है, प्रधान को बैठा लिया गया। तो पंचायत में भी प्रधानों ने कहा, और उनके कहने मुताबिक उनसे कहा था 1 महीने बाद आना, तो वे 1 महीने बाद फिर गए लेने, लेकिन रश्मि को नहीं भेजा गया। राधा देवी ने इल्जाम लगाया है कि वो अपनी चाची को रखे, यानी कि जो सूरज हैं रश्मि के हस्बैंड, वो अपनी चाची को रखे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई कोई अधूरी बात नहीं, विद प्रूफ के दिखाता है आपको। तो ये चीज उन्होंने बताया, ये वीडियो में लास्ट में सारी चीज दिखाऊं। रश्मि को वो रखने को तैयार है, लेकिन रश्मि रहने को तैयार नहीं है। रश्मि देना चाहती है सूरज को तलाक, यानी कि अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती है, ऐसे उनके सवाल है। ठीक है, अब आपने रश्मि की तो बात सुनी थी, राधा देवी की सुनी, अब आप सुनिए उनकी, रश्मि के हस्बैंड की, रश्मि के हस्बैंड की क्या मतलब राय है, रश्मि को रखना चाहते नहीं रखना चाहते, ये सारी चीज उन्होंने वीडियो में बताया। लास्ट में हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो, और आप कमेंट करके बताइए। तो रश्मि के हस्बैंड से हम पर्सनली मिलेंगे और खुद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। जैसे जो उन्होंने सूरज ने बताया है अपने रश्मि को, भाई को बताया कि वो लेने को तैयार है, वो जब बताए तब चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए कि इसमें क्या सच्चाई है और कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। लेकिन इस वीडियो को आपको बहुत ज्यादा इंतजार था, हमें भी बहुत ज्यादा इंतजार था, क्योंकि हम सब चाहते थे कि आखिर में सच क्या है, रश्मि जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है। तो फाइनली वो सच सामने आ गया आप लोगों के सामने। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में बताइए अपनी राय कि आप चाहते क्या, हम खुद मिलें तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो वीडियो की ये क्लिप देखिए, वीडियो में मिलते हैं लास्ट में और फिर हमको आप बताइए। तो हम सूरज जी से यानी अपने बहनोई से बातचीत करते हैं और ये आपको बताएंगे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो आप बताइए कि रश्मि क्यों नहीं आ रही है और क्या दिक्कत है, क्या बातचीत हुई थी जो वो नहीं आ रही हैं? रश्मि को मैं लिवाने गया, लिवाने जाता हूँ जितने बार मतलब गया, 4-5 बार गया, मतलब 10 बार गया कुल मिला के। तो अच्छा, यही अच्छा। कहती हैं मतलब कि मुझे नहीं जाना। अच्छा, हाँ, तो आपने ये नहीं पूछा क्यों नहीं जाना चाहती हूँ, क्या दिक्कत है? मैंने की क्यों नहीं जाना, सब बात हो गई, कह रही मैं छुट्टी छुट्टा करूंगी। अच्छा, हाँ, अपने मम्मी मतलब उनकी मम्मी जो कहती हैं वही वो करती हैं, भेजना नहीं चाहती हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी आप लोग गए हुए थे तो उन्होंने क्या कहा? यही कहा कि 14 तारीख को छुट्टी छुट्टा करेंगे, अपना सामान अपना दे दो, मुझे मेरा दे दो सामान। आरोप भी लगाती कि चाची को रखे है ये वो, पकड़ा दुनिया की बात है मतलब बनाती हैं। तो ये आरोप लगा रही हैं कि जो कह रही हैं कि अपनी चाची को रखे हैं, हाँ, तो ये क्या बात सत्य है? ये सत्य नहीं है, मोहल्ला में आप पूछ सकते हो। अच्छा, कहीं भी आप जाके पूछ लो, मेरे मोहल्ला में पूछ लो। कौन सा रिक्शा चलाते हो? ये पाँव वालों चलाते। अच्छा, तो हम आपको वो रिक्शा भी दिखाते हैं। ये रिक्शा है जो आप चलाते हैं, ये रिक्शा है भाई साहब, आप देख सकते हो। और इस रिक्शे से बताइए
आज की डेट में इतने सीएनजी ऑटो वगैरह हैं तो इस पर कितनी कमाई हो जाती होगी? मेरे ख्याल से कितनी आपकी कमाई हो जाती होगी? 200 रुपए 100 रुपए 150 ऐसी होती है पूरे दिन में। पूरे दिन में बताओ 100-150 रुपए की कमाई होती है। और क्या यही रश्मि कहती है मुझे घुमाओ यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ ब्यूटी पार्लर कराओ ये बातें करती हैं भाई। और पठाया तब 2000 रुपए दिए, अब 8 दिन बाद फिर फोन आ गया कई रुपए बता खर्च हो गए। बताओ इतनी कमाई होती है रिक्शे में जो 2000 रुपए दिए मतलब 8 दिन में हम ऐसे करके देंगे तो बताओ इतनी कमाई थोड़ी ना रिक्शा में होती है। आप लोग मेरे साथ में यानी मेरी बहनों यानी रश्मि के हस्बैंड बैठे हुए हैं और ये अपने मुंह से बता रहे हैं।